तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी छात्र बोर्ड एग्जाम के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 1 फरवरी यानी कि सोमवार के दिन पॉलिटिकल साइंस जिसे हम राजनीतिक विज्ञान कहते हैं उसका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की प्रश्न जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप भी फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं गुप्ता जो टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल के नोटिफिकेशन भी दबाए के लाओ के लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दी क्योंकि लाइक में पैसा नहीं लगता है, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दी, साथ ही अपने दोस्तों में साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी ताकि सभी छात्र को पता चल सके, वो भी जुड़ सके, वो भी तैयार करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो वीडियो के नीचे लिंक किया जाएंगे, पहले लिस्ट आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने भी यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न को आप ध्यान सुनिए, अच्छी तरह से समझ ले ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र इस वीडियो को देखे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लिए क्योंकि यही सब प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी आपको पता होगा कि सब्जेक्टिव प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चल हम एक एक करके सही प्रश्न को जानते हैं, अच्छी तरह से यहाँ पे समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न है कह रहा है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, यानी सो शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। अगर आप लिख के आते हैं तो आपको 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, क्या हम उत्तर यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं, वह थोड़ा सा अगर लिख के आते हैं तो आपको काफी अच्छे नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आपको उत्तर में लिख देना है कि शीत युद्ध वह स्थिति होती है जिसमें वातावरण तनावपूर्ण होता है। मतलब जो शीत युद्ध होता है वह स्थिति होती है जिसमें वातावरण मतलब कि कैसा होता है तो तनावपूर्ण होता है, परंतु युद्ध नहीं होता है, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शांति युद्ध की शुरुआत हुई। इस अवधि में पूंजीवादी देश अमेरिका और साम्यवादी देश रूस में जो कि हम बात करें रूस में आपसी दुश्मनी और तनाव चलता रहा और वे एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते रहे। इन दोनों गुटों के बीच कोई पुनर्व्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। यह शीत युद्ध 1945 से 1990 तक भारी रहा। तो दोस्तों यही है शीत युद्ध। ठीक है, अब चलिए एक बार फिर से हम जान लेते हैं ताकि आप लोग समझ सके। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि शीत युद्ध वह स्थिति है जिसमें वातावरण तनावपूर्ण मतलब कि टेंशनपूर्ण या मतलब की बात करिए एक जैसे तनाव रहता है उस प्रकार का यह युद्ध है। ठीक है, परंतु युद्ध है नहीं होता है मतलब कि यह युद्ध नहीं होता है, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शांति युद्ध की शुरुआत हुई। इस अवधि में पूंजीवादी देश अमेरिका और साम्यवादी देश रूस में आपसी तनाव दुश्मनी चल रहा है, वे एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते रहे। इन दोनों गुटों के बीच कोई पुनर्व्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। यह शीत युद्ध 1945 से 1990 तक भारी रहा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा यह यहाँ पे जो कितना आप शब्द लिख के आते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे दिखती दोनों प्रश्न की प्रश्नकाल से आप क्या समझते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि प्रश्नकाल से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है कि संसद के संबंध में प्रश्नकाल का तात्पर्य उस अवधि से है जिसमें संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के किसी मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक मतलब कि प्रत्येक यानी कि प्रतिदिन बैठक आरंभ 1 घंटे का होता है। प्रश्नकाल के दौरान भारत सरकार से संबंधित मामले उठाए जाते हैं और सार्वजनिक समस्याओं को ध्यान में लाया जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो यह एक गठन होता है जो कि हम बात करें 1 घंटा का जो कि मीटिंग होता है उसमें से भारत सरकार जो होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे जो कि मामले उठाए जाते हैं यानी कि प्रश्न उठाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप 1 घंटे बैठ के जानते हैं। ठीक है, तो एक बार यह फिर प्रश्न को फिर से जान लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
कि प्रश्नकाल से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है कि संसद के संबंध में प्रश्नकाल का तात्पर्य उस अवधि से है जिसमें संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के किसी मामले पर जानकारी, मतलब कि यानी कोई भी मामला हो उस मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्री, यानी जो मंत्री होता है, मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक यानी कि प्रतिदिन एक आरंभ एक घंटे का बैठक होता है जिसमें प्रश्नकाल के दौरान भारत सरकार से संबंधित मामले उठाए जाते हैं और सार्वजनिक समस्याओं को ध्यान में लाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि आप इतना अगर डिटेल में लिख देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अगर सब्जेक्टिव प्रश्न में वहाँ पे लिखा रहता है या कि अपने शब्द में उत्तर दें, यानी तो अपने शब्द में, तो आपको जो भी आता है लेकिन लिख के अगर आते हैं तो आपको नंबर काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर आप उसी को छोड़ के आइएगा तो आपको नंबर काट लिया जाता है। अगर आप उसमें कुछ भी लिख के आते हैं तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम में ये गलती मत कीजिएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम में आपको जो भी आता हो, जो भी आपके मन में समझ आता हो, ठीक है, वही आपको लिख के आना है। क्योंकि हम जानते हैं आप स्टूडेंट क्या करता है कि वह मतलब क्या कहेगा कि गलती हम लिख रहे हैं, यार तू लिख के आओ, नंबर आपको अवश्य मिला है। तू जो भी लिखता है वह सब सही रहता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो आप अगर लिख के आते हैं, अगर लिख के आइएगा ना इतना भी, तो आपको नंबर काफी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, तीन प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न का आंसर सभी छात्र को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि जल संरक्षण क्या है, यानी तो जल संरक्षण क्या है, तो उत्तर में आपको लिखना है कि जल संसाधन की दुर्बलता या संकट निर्वाण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया। कलातंत्र में कई समस्याओं के उभरने के कारण इसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया। जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजना बनाई गई, मतलब इसका जो कि यहाँ पे निम्न सिद्धांत रखकर यह योजना बनाई गई। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि यहाँ पे देखते कारण वाइज समझाया गया, तो यहाँ पे प्रथम है जो कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना, दूसरा है पे जल को प्रदूषित होने से बचाना, यानी तो आप सभी को पता हो कि जल को प्रदूषित कर देता है, मतलब कि कुछ कचरा उचरा बहुत सारे मतलब कि गंदगी बिंग के जल को क्या प्रदूषित कर देता है। ठीक है, इससे आपको बचाना चाहिए। दूसरा है पे कि प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनः चक्रण यानी कि पुनः उपयोग करना, मतलब कि प्रदूषित जल मतलब कि जो गंदे जल है उसका, जैसा आप सभी को पता होगा कि अभी तो मशीन आ चुका है जिससे क्या करता है पानी को, मतलब कि जो प्रदूषित पानी रहता है, जो प्रदूषित जल रहता है, उसको मतलब कि फिर से साफ करके उसे फिर से उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक मशीन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वर्षा जल संग्रह, यानी कि जो वर्षा का जल होता है उसे हम इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पे जल संरक्षण। ठीक है, तो एक बार फिर से हम जान लेते हैं कि जल संरक्षण क्या है। तो जल संरक्षण संसाधन के दुर्बलता या संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया। कलांतर कई समस्याओं के उभरने के कारण इसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया। जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजना बनाई गई। तो पहला यहाँ पे है जो कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना, दूसरा है पे जल को प्रदूषित होने से बचाना, तीसरा है पे प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनः उपयोग करना, और तीसरा यहाँ पे चौथा है जो कि वर्षा जल संग्रह यानी कि इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को जरूर शेयर कर दी ताकि और भी छात्र यहाँ पे जान सके। वो भी 1 फरवरी को जो एग्जाम देने वाले हैं तो वो भी यहाँ पे इस प्रश्न को अगर आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो वह भी लिख के आ सके। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम सोचे कि इस पर एक वीडियो बना दें। ठीक है, तो अगले प्रश्न यहाँ पे दिखते चैनल प्रश्न है जो कि ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न करा कि समानता को परिभाषित करिए, समानता को परिभाषित करिए, जिसका आंसर में आपको लिखना है कि समानता भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। भारतीय संविधान के भागों में अंतर्निहित मूल अधिकारों में समानता अधिकार भी शामिल किया गया है। संविधान में सभी व्यक्ति को विधि के समक्ष जो कि समानता, राज्य के अधीन सेवा में समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। संविधान धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद को निषेध किया गया है। ठीक है, तो ये आपको इतना भी अगर लिख के आते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार फिर से यह प्रश्न को सुन लीजिए कि समानता को परिभाषित हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो समानता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा माना गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के भागों में अंतर्निहित मूल अधिकारों में समानता का अधिकार भी शामिल किया गया है। संविधान में सभी
व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता, राज्य के अधीन सेवाओं एवं समान अवसर और सामाजिक जो की समानता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। संविधान धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को निषेध किया गया है। ठीक है, तो ये है इसका परिभाषा। ठीक है, तो अगर ये आप लिख के आते हैं तो आपको बेहतर अंक मिल जाए। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, यहाँ पे बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, क्या कि गलती करके आ जाते हैं, क्या कि हम अगर ये लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। आपको जो समझ में आता है, वह लिख के आइए, लेकिन लिख के अगर आते हैं तो हमारा गारंटी है कि आपको नंबर मिलेगा, लेकिन लिख के आइएगा तब। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न यहाँ पे है जो कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो कैसे इसका चुनाव होता है हम चलिए जानते हैं। तो आपको उत्तर में लिख देना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बने होते हैं। यानी दोस्तों जो हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर होते हैं। अर्थात उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इन सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक की प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान तरीके से होता है। तो दोस्तों यह एक गुप्त मतदान जो तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, एक बार चलिए हम फिर से अच्छी तरह से यहाँ पे हम रीडिंग कर लेते हैं। तो आपको आंसर मिल गया है कि भारत के जो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो आपको लिखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो कि एक ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बने होते हैं। अर्थात उपराष्ट्रपति निर्वाचन राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। इन सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान तरीके से होता है। ठीक है, तो ये इसका है यहाँ पे जो कि कैसे चुनाव किया जाता है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, छीनो प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो यह जो प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के दो मुख्य उद्देश्य बताएं, मतलब इसको कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के दो मतलब कारण बताएं या इसका उद्देश्य बताएं, बात एक ही है। ठीक है, तो आपको उत्तर में लिखना है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में इसके उद्देश्य का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के दो मुख्य उद्देश्य निम्न है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट वाई बना के लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, शांति पर होने वाले आक्रमणों को रोकना तथा आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करना। ठीक है, ये है पहला यहाँ पे कारण। दूसरा कारण यहाँ पे विश्व के सभी राष्ट्रों विशेषकर अल्प विकसित देशों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवतावादी समयों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। ये है दो कारण जो कि काफी महत्वपूर्ण है जो कि संयुक्त राष्ट्र के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए, सातवां प्रश्न काफी इजी प्रश्न है और इसका आंसर भी काफी इजी है जो कि आप अपने सब में दे सकते हैं। इससे पहले आपको बता दे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आप सबके हम काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे। साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी छात्र जुड़ सके, वो भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो वीडियो के नीचे लिंक है या चाहे पहले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर। इससे पहले बात करें तो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के जो गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी अपलोड हो चुका है, तो आप जाके अच्छी तरह से उसे भी देख लीजिए ताकि 1 फरवरी को जो आप सभी का एग्जाम होने वाला उसमें आप अच्छी तरह से बना के आ सके। ठीक है, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन उसको भी दबाए के अलाव करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। ठीक है, आपके यहाँ पे बिहार बोर्ड की पल पल खबर आपको मिलता रहेगा सबसे पहले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में आपको एग्जाम में भी काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे है जो कि कह रहा है कि दल बदल क्या है, दल बदल का क्या अर्थ होता है, यानी दल बदल क्या है या इसका अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर की हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जहाँ पे दल बदल का अर्थ एक दल की सदस्यता त्याग दूसरे दल में शामिल होना होता है। यानी दल बदल का जो अर्थ होता है कि जैसे आप मान लीजिए एक दल में है, ठीक है, और एक दल की जो सदस्यता है उसमें है और इस दल को हम त्याग करके दूसरे दल में शामिल होना क्या होता है जो कि दल बदल कहता है। अगर मान लीजिए
कि यह वन है, इसके बाद यहाँ पे टू है। अगर मान लीजिए हम इस दल में है, ठीक है, और इस दल को हम त्याग कर दूसरे दल में आ गए, इससे हम क्या करते हैं, दल बदल कहते हैं, ठीक है। और उसके हम बात करिए और भी अगर जानना चाहते हैं तो इसका यहाँ पे लिखा है कि संविधान के परिवर्तन के बाद से ही जो कि राजनीतिकों द्वारा पद प्राप्ति की लालसा से दल बदल की कार्यवाही आरंभ हो गई थी, जिसके कारण राजनीतिकों की काफी आलोचना होने लगी। दल बदल को रोकने के लिए 52वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूचित में इसे जोड़कर दल बदल कानून को लाया गया है। तो दोस्तों यही है दल बदल कानून का मतलब, ठीक है। तो एक बार हम फिर से चलिए हम इसे भी जान लेते हैं क्या होता है। तो दल बदल क्या होता है, तो दल बदल का अर्थ होता है एक दल की सदस्यता त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना होता है, ठीक है। और संविधान के परिवर्तन के बाद से ही जो कि राजनीतिक द्वारा पद प्राप्ति की लालसा, मतलब कि जो यहाँ पे राजनीतिक होते हैं, जो यहाँ पे नेता लोग होते हैं, क्या करते हैं कि एक लालसा, मतलब कि लालसा देते हैं जो कि तुमको ये पद देंगे, इसकी वजह से यहाँ पे भी दल बदल की कार्यवाही आरंभ हो गई थी, ठीक है। जिसके कारण राजनीतिकों की काफी आलोचना होने लगी। दल बदल को रोकने के लिए 52वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूचित में इसे जोड़कर दल बदल कानून लाया गया। तो 7 का जो ये यहाँ पे पूरा डिटेल में अगर आप लिख देते हैं तो आपको काफी बेहतर अंक मिल जाए, ठीक है। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे समाज के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक न्याय क्या है, यानी सो आप सभी को पता होगा कि जो सामाजिक न्याय है वह कैसा होता है, ठीक है, या क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे गांव घर में जो समाज होते हैं वह कुछ भी होते हैं, तो एक पंचायती के रूप में यहाँ पे न्याय करते हैं, मतलब कि क्या न्याय देते हैं, ठीक है, बल्कि एक मतलब कुछ भी यहाँ पे हो, मतलब कि कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो उसका समाधान करते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर में लिखना है कि यहाँ पे सामाजिक न्याय का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाए, जाति, रंग, लिंग, धर्म और समुदाय के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। मतलब सामाजिक का जो अर्थ होता है, आप कोई भी जाति का हो, आप कोई भी रंग, लिंग, धर्म और किसी भी समुदाय से बोध करते, इसका कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन सामाजिक तौर पर आपको एक समाज से जो कि देखना चाहिए, इससे भेदभाव नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा और उन्नति का अवसर सभी को समान रूप से सुलभ हो, मतलब जो सामाजिक जो यहाँ पे न्याय करते हैं वह सभी को शिक्षा एक समान दे, मतलब सभी को जो कि एक समान देखे, मतलब कि हमारे कहने का अर्थ यह हुआ कि जो भी व्यक्ति, अगर आप मान लीजिए अगर आपके ही परिवार में अगर आप दो भाई हैं, ठीक है, तो आपको क्या आपके जो गार्जियन है आपको एक समान से देखे, ठीक है। तो यही इसका मतलब यही होता है सामाजिक, ठीक है, न्याय। तो मान यानी कि हमें अगर एक समान से देखते हैं तो इसमें मतलब कोई यहाँ पे समस्या नहीं आ रहा है, ठीक। अगर इसी में हम जो कि अगर हम बड़े भाई को अच्छी तरह से देखेंगे और दूसरे भाई को हम मतलब कि कहें भाग ये तू कामिल है बेकामिल है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है, जैसे आपके घर में भी ऐसा अगर झगड़ा हो रहा होगा या मतलब कहीं कहीं बहुत सारे आप गाँव घर में देखते होंगे, तो ये होता है जो क्या मतलब कि भेदभाव करते हैं। अगर उसी को हम एक समान से देखते हैं तो क्या होता है, मतलब कि एक समान से हम सभी को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मनुष्य रूप का मनुष्य होने के नाते समान किया जाए और सभी मनुष्य मिलजुल कर कला, साहित्य, संस्कृत और तकनीकी साधनों का उपभोग और उपयोग बिना किसी भेदभाव के कर सके। दूसरे शब्द में सामाजिक न्याय का मुख्य लक्ष्य बंधुता के आदर्श को साकार करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम एक बार फिर से इसे हम जो कि इस भाषा में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि सामाजिक न्याय क्या है, यानी कि दोस्तों सामाजिक न्याय क्या है। तो यहाँ पे सामाजिक न्याय का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाए, जाति, रंग, लिंग, धर्म और समुदाय के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, शिक्षा और उन्नति का अवसर सभी को समान रूप से सुलभ हो और मनुष्य मनुष्य होने के नाते जो कि यहाँ पे एक समान सभी को देखा जाए और सभी मनुष्य मिलजुल कर कला, साहित्य, संस्कृत और तकनीकी साधनों का उपभोग और उपयोग बिना किसी भेदभाव के कर सके। दूसरे शब्द में सामाजिक न्याय का मुख्य लक्ष्य बंधुता के आदर्श पर को साकार करना, ठीक है। तो ये थे यहाँ पे कि जो कि समाज के हमारे जो कि हमारे गांव में होते हैं ऐसा, ठीक है, जो सामाजिक यानी कि सभी को एक समान देखना चाहिए, किसी से भी भेदभाव मत
बात करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के कुल यहाँ पे 8 सब्जेक्टिव प्रश्न थे, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है तो आपके बोर्ड एग्जाम इसमें से हो सकता है तो 2-3 आ भी सकता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से जान ही लिए हैं। आप लोग बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है कि कोई भी प्रश्न हो, अगर उसके बारे में आप नहीं जानते हैं फिर भी आप अगर कुछ भी लिख के आते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। तो आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो आप बेहतर वहाँ पे कुछ लिख के आइएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है तो उसे जाके देख लीजिए, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी हो सके। तो सो दोस्तों, इस वीडियो में ही था यहाँ पे, जो कि यहाँ पे 8 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, साथ में बात करें तो इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी छात्र जो इसको अभी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है या चैनल पहले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से देख के सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले, और चैनल पर ना हो चाहे वो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाइव कर ली, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं किसी और वीडियो के साथ जय हिंद, आप सबका दिन शुभ हो।